हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। तो आज हम अपने लेक्चर का अपनी चैप्टर का तीसरा चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले में हमने क्या देखा, ह्यूमन आई के बारे में देखा, वर्किंग देखी उसकी, कुछ पावर अकोमोडेशन वगैरह देखा। इसके अलावा हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बात की। तो आज की चैप्टर में जो बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखेंगे, जैसे हम ग्लास स्लैब के थ्रू देखी थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तीनों। डिस्पर्शन देखेंगे कि डिस्पर्स कैसी होती है हमारी व्हाइट लाइट, और फिर रेनबो का इफेक्ट देखेंगे। रेनबो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि उसमें से 2 नंबर 3 नंबर वाला सवाल आ ही जाता है, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक आ ही जाती है। आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा प्रिज्म की शेप असल में होती है वो कुछ ऐसी होती है, नॉट एग्जैक्टली बट समवट, कुछ मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। प्रिज्म ऐसा कुछ होता है, जो हम ये फेस देख रहे हैं ना, ये आगे वाला जो फेस है, हम ये वाला फेस यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, इसमें ये जो है ये वाला फेस है। तो ये और ये जो होती है हमारी, ये और इसके पीछे वाली, ये वाली, ये होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां से हमारी लाइट आती है और दूसरी साइड से निकलती है। तो अगर हम देखें, सपोज यहाँ से इंसिडेंट लाइट है और यहाँ से इमर्जेंट लाइट है। अब हम इसी फेस को स्टडी करके कुछ पैरामीटर्स देखेंगे। तो जो पहला होता है एंगल ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, इट्स एंगल बिटवीन द टू सर्फेसिस ऑफ लेटरल सर्फेसिस या रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस ऑफ द प्रिज्म। तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है पीई, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, जब ये इस ग्लास प्रिज्म पे पड़ेगी, सिंपल कॉन्सेप्ट से जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़े हुए हैं। अब जब रे ऑफ लाइट, ये क्या होगा म्यू रेयरर, और ये क्या होगा ग्लास प्रिज्म, ऑब्वियसली म्यू डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आई, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या अवे होगी, अवे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो क्या हो रहा है, इस वजह से जब ये रेयर ऑफ लाइट आ रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, ठीक। इसके बाद इसने स्ट्रेट ट्रेवल किया, क्योंकि कॉन्स्टेंट मीडियम में, अब कोई मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आ रही है। अब जब यहाँ पे दूसरी सर्फेस पे पहुंचा, एसी वाली सर्फेस पे पहुंचा, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो अभी क्या होगा, अगर ये हमारी नॉर्मल है, तो क्या हो रहा है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ई, दिस इज कॉल्ड ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जो ये रे ऑफ लाइट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज द इमर्जेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज द इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट थे। अब और एक चीज है, अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज द एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, जैसे हमने देखा था अपने रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक्स में एंगल ऑफ डिविएशन, वैसे यहाँ पे भी एक एंगल ऑफ डिविएशन है। तो एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हमारी इंसिडेंट रे की एक्चुअल पाथ है, ठीक है, बट फाइनली फाइनल पाथ इसकी ये है इमर्जेंट रे। अब जो इनके बीच में एंगल बन रहा है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे। जो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन है, ये कुछ पैरामीटर्स पे डिटरमाइन होता है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे से इफेक्ट होता है, ये इंसिडेंट एंगल से इफेक्ट होता है, ये हमारा इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस से भी इफेक्ट होता है। और जो हमारे डिविएशन की फॉर्मूला होती है, दैट इज आई प्लस ई माइनस ए। जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, सॉरी एंगल ऑफ डिविएशन होती है, वो किसके बराबर होती है, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, दिस इज अवर एंगल ऑफ डिविएशन। ये आपके सिलेबस में ऐसे नहीं है, बट एज ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। और जो मिनिमम डिविएशन पॉसिबल होती है, मिनिमम डिविएशन पॉसिबल होती है प्रिज्म की, दैट इज व्हेन क्या होगा, तब हमारी जो मिनिमम डिविएशन के केस में जो मिनिमम डिविएशन होगी, दैट इज 2 टाइम्स आई माइनस ए। और ये मिनिमम डिविएशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, जब हमारी एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तब हमें क्या होती है, मिनिमम डिविएशन होती है, तब हमारी मिनिमम डिविएशन होती है, तब हमारी मिनिमम डिविएशन होती है। तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या पढ़ा कि जब थ्रू प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म पे हमने देखा इसमें क्या होता है, ऐसी एक शेप होती है जिसमें एंगल होता है बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे लाइट इसमें रिफ्रैक्ट होती है एंड फाइनली एंड इमर्जेंटली निकलती है, और वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाती है। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास ये रे ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है, ये आपस में एक एंगल बनाते हैं जिसको हम एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, कितनी एक्चुअल पाथ से डिविएट हो रही है हमारी रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म उसी को हम एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डिविएशन हमने कैलकुलेट किया भाई, वन आई प्लस ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिविएशन। और मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ डिविएशन हमारे पास कब होता है, जब हमारा इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम हो, जब अगर ये दोनों सेम हो तब हमारी जो मिनिमम डिविएशन होती है दैट इज इक्वल टू 2i - a। कैसे होता है, हमें पता है ना क्या, हमने देखा फॉर्मूला के डी इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। अब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा तो मैं लिख सकता हूँ ना डी इज इक्वल टू आई प्लस आई दैट इज इक्वल टू 2i - a, यहाँ से ये मिनिमम डिविएशन वाली फॉर्मूला आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। हमने देखा कि वो रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है प्रिज्म में, अब देखेंगे ये रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन कैसे कॉज करती है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एक प्रिज्म बनाया हुआ है, हम देख रहे हैं कि एक व्हाइट लाइट आ रही है क्योंकि हमारी लाइट व्हाइट ही होती है जो सन से आती है। अब जब ये प्रिज्म पे पड़ रही है, हम देख रहे हैं ये बहुत सारे कलर्स में ये हो रही है, कितने कलर्स, 7 कलर्स, दैट इज रॉय। अगर हम इधर से नीचे की तरफ आए तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या विबग्योर भी लिखते हैं, विबग्योर। फिर देखते हैं कलर्स कौन से, रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। हमें पता है, हमने देखा था जब हमने रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो जितनी हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो जितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी डिविएशन कम आएगी। हमारे पास जो रेड की होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैं हमने वहां पे बोला था मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, और वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ होगी, इसलिए वायलेट मैक्सिमम डिविएशन सफर करेगा, मैक्सिमम डिविएशन सफर करेगा, और रेड मिनिमम डिविएशन सफर करेगा। इसलिए क्या होता है, जैसी एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इस पे पड़ती है, क्योंकि इसको अब एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करना है, तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जब ये ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे जो हमारी, सिंस हमने क्या बोला कि म्यू डिफरेंट है, वेवलेंथ्स डिफरेंट है इनकी, तो हमें पता है ना जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, लेमडा म्यू। अगर म्यू कॉन्स्टेंट है तो सी जो होती है, सी भी कॉन्स्टेंट है तो लेमडा क्या होगी, चेंज होगी। लेमडा क्या होगा कि लैम्डा से ही डिटरमाइन हो जाएगी इनकी स्पीड, इनकी स्पीड अगर डिफरेंट होगी क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ जो इनकी डिविएशन आएगी, जो एंगल जो रिफ्रेक्टिव एंगल रिफ्रेक्टिंग एंगल होगा वो भी डिफरेंट आएगा। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये डिफरेंट पाथ पे यहाँ पे जा रहे हैं। देखो यहाँ से इसकी वेवलेंथ कम है तो ये कम ये डिविएट हो रहा है, इसकी वेवलेंथ सबसे सॉरी इसकी वेवलेंथ ज्यादा है रेड की तो ये कम डिविएट हो रहा है, और वॉयलेट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो ये सबसे कम वेव सॉरी जो रेड की है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो कम डिविएट कर रहा है, और वॉयलेट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ है तो ज्यादा डिविएट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये इसी स्पेक्ट्रम के, इसी विबग्योर या रॉय जी बेव बोलो दोनों चल सकते हैं, इसी इसमें क्या होता है कि बाहर आ जाते हैं, कहाँ से, प्रिज्म से बाहर आ जाते हैं। बट अब न्यूटन ने क्या काम किया था, न्यूटन ने और एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन ने किया था डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, अब उसने क्या किया, उसने
अब इस व्हाइट लाइट को वापस इसने वापस इसने सोचा कि शायद हमारे पास क्या होगा अगर मैं इस प्रिज्म के आगे और एक प्रिज्म लगा दूं तो ये स्प्लिट और कहीं लाइट्स में हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन था व्हाइट लाइट इज अ कंपोजिशन ऑफ 7 कलर्स, तो मे बी ये आपस में ये कलर्स भी उसको लगा कि किसी और कंपोजिशन के बने हो, तो उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई की। बट फाइनली उसने क्या काम किया, उसने उल्टे ऐसे एक प्रिज्म लाया, फिर उसको और एक प्रिज्म लाया जो उल्टा कर दिया, तो उसने क्या देखा कि अगर मैं व्हाइट जब जो मेरी व्हाइट लाइट आ रही है मुझे वापस भी व्हाइट लाइट मिल रही है आफ्टर द सेकंड प्रिज्म, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुई इस स्पेक्ट्रम की, इस स्पेक्ट्रम की रिकॉम्बिनेशन हुई। ये किसने की एक्सपेरिमेंट किया था, ये न्यूटन ने किया था। तो उसने क्या देखा कि जब हम पहले एक प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम को ये करते हैं, ब्रेक करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, स्पेक्ट्रम वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिलता है हमें, डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है, व्हाइट लाइट ब्रेक हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, उसके बाद जब हम एक उल्टा इन्वर्टेड प्रिज्म उसके साथ ये रखते हैं तो वो जो होता है वो स्पेक्ट्रम वो वापस से रिकम्बाइन होके हमें वापस से व्हाइट लाइट देता है, एंड देन व्हाइट लाइट कैन बी ऑब्टेन ओनली ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन हम आगे रखेंगे तो हमें व्हाइट लाइट वापस मिल जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो हमने देखा कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है प्रिज्म में, हमने डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा। ठीक, तो आगे बात करते हैं अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, बट आई विल बी रिविजिटिंग दिस कॉन्सेप्ट क्योंकि हमें रेनबो में ही काम आने वाला है। तो हमने क्या देखा था, कुछ कंडीशंस देखी थी किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये थी कि रे शुड बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहला रूल। एंड सेकेंड रूल वॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल था। फिर हमने क्रिटिकल एंगल निकाला था इसका, कैसे निकालते हैं वो आपको याद होगा। तो देखो अभी हम उतना डीप नहीं जाएंगे, यहां पे एक रे ऑफ लाइट आई तो दिस वाज क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल क्या था, जब हमारी रे ऑफ लाइट क्या होगी थ्रू द इंटरफेस, जब इसका क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब हमारे रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो बाय द सेनेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या, म्यू डी सॉरी म्यू आर बाय म्यू डी। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन आई बाय साइन 91 इज इक्वल टू म्यू आर, या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ म्यू डी लिख सकता हूँ अगर हम कंसिडर करें म्यू आर क्या है, एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, यही हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। हमने क्रिटिकल एंगल भी अब निकाल लिया, तो हमने देखा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेंसर टू रियरर जाना चाहिए, तभी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट आएगा, मतलब कि हमारी जो रे ऑफ लाइट वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हेन आवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू अ रियरर मीडियम एंड एंगल इज ग्रेटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द मीडियम एंड दैट इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो हम क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, वो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। ठीक, आगे बात करते हैं अब रेनड्रॉ रेनबो की, रेनबो बनता कैसे। तो इसमें हम दो चीजें देखेंगे, एक तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है, दूसरा हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट आ रहा है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो देखो जब एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो वन हम रिफ्रैक्शन भी काउंट करेंगे, TIR भी काउंट करेगा। ठीक है, एक रिफ्रैक्शन हो गई और यहां पे क्या हुआ, डिस्पर्शन हो गया, डिस्पर्शन हो गया और डिस्पर्स हो गई क्योंकि म्यू है अंदर, कुछ वाटर ड्रॉपलेट है तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कुछ ये होगा, वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वेव डिफरेंट वेवलेंथ सेपरेट हो गई। अब जैसे ही ये इस सरफेस पे पड़ा, इस वाली स्फेरिकल इस वाले पोर्शन पे पड़ा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, तो हो गया क्या, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। एंड जब भी अब इस वाली सरफेस पे पड़ेगी तो ये वापस से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो अब क्या फिर से रिफ्रैक्ट हो गई और डिस्पर्शन भी हमारे पास हो गया। तो हम देखेंगे एक रेनबो फॉर्मेशन में
हमारे पास दो रिफ्रैक्शंस होते हैं और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है. इन एडिशन टू दैट देयर ऑकर्स डिस्पर्शन ऑफ लाइट. वहां पे क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये होता है हमारा रेनबो कैसे बनता है, अब हम रेनबो देख कैसे पाते हैं. सिंस जो हम अगर हम क्या काम करें, हम रेनबो हम डिफरेंट तरीके से, जब बारिश होती है फिर थोड़ी धूप निकलती है, तो अगर हमें सन पीछे की तरफ हो, हमारे हेड के पीछे की तरफ, तो हम रेनबो देख सकते हैं. किसमें? आसमान में. एंड अनदर वे ऑफ सीइंग अ रेनबो इज अगर हम वाटरफॉल के थ्रू भी देख सकते हैं, कि वाटरफॉल एक है उस और सन हमारे बिहाइंड है, तो उस वाटरफॉल के थ्रू अगर हम देखें, जो व्हाइट लाइट में से आएगी वो डिस्पर्स होकर द सेम इफेक्ट होगा और हमें सात कलर्स दिखेंगे. वी कैन सी अ रेनबो, वी कैन सी अ रेनबो ऑन द स्काई. बट द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेनबो इज दैट इट शुड बी अ सनी डे एंड देयर शुड बी द सन शुड बी एट द बैक ऑफ आवर हेड. एट द बैक ऑफ आवर हेड हमारे बैक साइड में सन होना चाहिए. ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स रेनबो के बारे में. तो अभी हमने रिविजिट करेंगे जो हमने टॉपिक्स आज पढ़े, थोड़ा सा ये करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. रिफ्रैक्शन लाइट थ्रू प्रिज्म हमने देखा कि ये एक सरफेस से आके रिफ्रैक्ट होके फिर दूसरी सरफेस से भी रिफ्रैक्ट होकर एक एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाती है, और वो एंगल ऑफ इमर्जेंस वो वहां से एक एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है जो आई प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है, और मिनिमम डिविएशन पॉसिबल होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं, एंड दैट इज दैट डिविएशन इक्वल टू 2i - a. फिर हमने देखा कि एक व्हाइट लाइट जब हम किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो वो उस व्हाइट लाइट को ब्रेक करता है डिफरेंट कलर्स में, सेवन कलर्स में, जिनको हम कैसे ये कहते हैं विबग्योर के नाम से, रेड ऑरेंज ब्लू येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट के नाम से ये करते हैं. रेड में सबसे कम डिविएशन होती है और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, और वायलेट में सबसे ज्यादा डिविएशन होती है और सबसे कम वेवलेंथ होती है, क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a. तो हम बोलेंगे कि इनका रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो होते हैं वो इसी ऑर्डर में आते हैं. इसके बाद हमने न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट देखा, कि न्यूटन ने ही वो वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था कि रे ऑफ लाइट कैसे ब्रेक होती है डिफरेंट कलर्स में. अब उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ट्राई की और फाइनली उसको एक कॉम्बिनेशन मिली, एक प्रिज्म रखा, फिर एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा. तो उसने क्या देखा कि व्हाइट लाइट आ रही है, ब्रेक हो रही है, स्पेक्ट्रम ब्रेक हो रहा है, उसके बाद वापस से जब वो दूसरे प्रिज्म में जा रही है वो वापस एज एन आउटपुट हमें एक व्हाइट लाइट दे रहा था. दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट जो हमें न्यूटन ने करके दिखाया था. उसके बाद जब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, हमने बात की नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेंसर टू रेयर लाइट ट्रेवल करनी चाहिए और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा होना चाहिए, एंड दिस क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ. ठीक है, और इसी ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो फॉर्मेशन के काम भी आता है. फिर हमने क्या देखा कि रेनबो में क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, कि जब भी एक रे ऑफ लाइट रेन ड्रॉप पे पड़ती है तो वहां पे पहले रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों होते हैं. जैसे ही रिफ्रैक्शन हुई तो वो हमारी व्हाइट लाइट जो होती है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाती है, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में जो कि सात कलर्स का होता है वो ब्रेक हो जाती है. उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये ब्रेक हुआ उसके बाद टोटल दूसरे इस रेनबो स्फेरिकल होता है, तो एक दूसरे सरफेस पे एक क्या हो जाता है इस पे टीआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, और वापस से ये रिफ्लेक्ट होके इस रेनबो की सरफेस पे और रेन ड्रॉप के और एक सरफेस पे पड़ता है. जब उस सरफेस पे पड़ा वहां से ये रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलता है, एंड वी कैन सी द प्रिज्म, वी कैन सी द रेनबो. रेनबो हम कब देख सकते हैं, कि जब हमारा सन, जो सन हमारे बैक साइड से हो, हम आगे की तरफ हमारा रेनबो देख सकते हैं. थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. लेक्चर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.